गुड आज है एवरीवन। तो आज है मेरे ससुर जी की बरसी, तो बुग्गू अपना दादा को माला चढ़ा रहा है। चढ़ा बेटा, हार चढ़ा। दादू है ना, बुग्गू से नहीं हो पा रहा है। ए हाँ, अले बाप रे, पप्पी दे दो, प्रणाम कर दो बेटा, नमस्ते कर दो दादा को। अले बाप रे, आजा आजा, हम ठीक कर देंगे। हाँ पापा ठीक कर देंगे। तो आज मेरे ससुर जी का बरसी है, तो अभी हस्बैंड जी तुरंत मंदिर से आए। मैं नहीं गई थी इस बार क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बारिश है मुंबई में अभी। तो पति जी ही गए थे, इसलिए वीडियो वहाँ का मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि बारिश है। तो अकेले मेरे हस्बैंड जी मतलब मंदिर में करते या फिर, तो इस वजह से पति जी आए हैं उधर से, और अभी यहाँ पे माला चढ़ा दिया जा रहा है और अगरबत्ती। बस जहाँ भी रहे अच्छे से रहे। और पता है हर साल ससुर जी मुझे ही सपना देते हैं, नहीं जाना हर साल। उनको पता है मेरी बहू अच्छी है इसके लिए उसको प्रॉपर याद रहता है, इसके लिए ससुर जी मुझे ही सपना देते हैं। और आज मैं सुबह सुबह इनका सपना देखी। चकाचक हाँ वो नहीं लगा सकते, गिर जाएगा वो। दादा बोलो, दादा बोलो, मिस यू दादा। पता है मेरे ससुर जी को हमेशा मतलब यही था, जब लास्ट उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी ना, तो उनका था कि हमारे बच्चे को लास्ट बार देख पाए, लेकिन अफसोस वो नहीं देख पाए। और वो चीज क्योंकि मेरे हस्बैंड को लास्ट में यही बोले थे कि वीरू सबका बच्चे को देख लिया, तेरे बच्चे को नहीं देखा। तो ये है पुचनू, वो बच्चा जो अभी देख रहे होंगे जहाँ भी होंगे, है ना। चलो बोल रहा है ड्राइव करने। देखो मैं
पैर ऊपर किया, हाँ पैर ऊपर करना है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस लाइक ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप लोगों को तो अभी तो मैं वीडियो में दिखा दी, मेरे पति जी अपने पापा का माला वाला फ़ोटो में चढ़ा रहे थे। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज 28 तारीख है, 28 जुलाई फ्राइडे। तो सुबह ही बुग्गू के पापा, बारिश बहुत है मुंबई में क्योंकि रोज़ का रोज़ बारिश है। आई थिंक 1 मंथ होने वाला है बारिश कंटिन्यू है, 1 मंथ से 20 डेज से तो कंटिन्यू है बारिश। तो सुबह सुबह ही 8 बजे पति जी और बाबू चला गया था मंदिर, वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ा के आए और अभी माला पापा में चढ़ाए, पापा के फ़ोटो में, मतलब ससुर जी के फ़ोटो में। तो आज दुख का दिन है, खुशी का दिन तो बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे ससुर आज के ही दिन डेट कर गए थे। वो घड़ी बहुत दुख की घड़ी होती है हर किसी के घर पे, अगर अपना मम्मी पापा को कोई भी खोता है। मैंने भी अपने पापा को खोया है तो मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो मैं नहीं मंदिर जा पाई थी क्योंकि सुबह सुबह था और सुबह उठ के मैं नाश्ता बनाने लगी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज मुंबई निकलना था और वो मुंबई निकल गए। पापा का फ़ोटो में माला चढ़ा के वो मुंबई के नाश्ता करके मुंबई के लिए निकल गए, क्योंकि मुंबई मतलब चर्चगेट साइड गए हैं क्योंकि उनके दोस्त आए हैं झारखंड से। अब वो 3 डेज़ के लिए अपनी बहन के घर आए हैं। तो आज का दिन मेरे हस्बैंड का फ्राइडे छुट्टी रहता है और उसको सैटरडे को निकलना है उनके फ्रेंड को, फिर से गोवा निकलना है। तो आज इस वजह से उनको सुबह सुबह ही बोले कि मैं ही बोली कि सुबह उठ के बिना कुछ खाए हुए पहले मंदिर चल जाओ, और ना तो उनका प्लान था कि उधर से घूम के आने के बाद चला जाऊं, तो मैं ही बोली कि नहीं पहले आप मंदिर चले जाओ उसके बाद मुंबई जाना। तो फिर इसी वजह से मैं नहीं जा पाई मंदिर, क्योंकि सुबह उठ के या तो मैं नाश्ता ही बना पाती क्योंकि उनको तुरंत निकलना था, या तो फिर मैं जा पाती उधर, तो इसलिए मैं इस बार नहीं जा पाई। तो आप लोग इस चीज़ को गलत वे में मत लेना, ठीक है। तो बस, और जो मेरे ससुर जी थे वो बहुत एक अच्छे इंसान, बहुत नेक दिल के थे, बहुत साफ दिल था उनका, क्योंकि मैं उनको छोटे से जानती हूँ। आप लोगों को बताया, जो लोग अभी नए हैं तो उनको भी बता देती हूँ इस टॉपिक पे कि जब मैं बहुत छोटी थी तभी से ही मैं उनको जानती हूँ, क्योंकि वो मेरे घर के सामने, मेरा जहाँ घर था, मेरा मायका जहाँ है, जहाँ क्वार्टर था, उनके जस्ट एक घर छोड़ के ही मेरे हस्बैंड का क्वार्टर था, मतलब मेरे ससुर जी का क्वार्टर था। तो उनको बहुत शुरू से ही जानती हूँ, बहुत अच्छे, बहुत साफ दिल के थे और पहले भी मेरे को बेटी मानते थे। और जब मेरी शादी हुई थी लव मैरिज, तो जब मेरी शादी हुई तब भी एक होता है ना कि हाँ भाई बेटे ने लव मैरिज किया या तो एक मुस्लिम लड़की से किया, कभी आज तक मेरे ससुर ने तो कभी भी नहीं, कभी मैंने उनको ये चीज़ नहीं देखा, नोटिस मैंने कभी नहीं किया कि वो गलत मेरे साथ, बहुत अच्छे से जैसे पहले बेटी मानते थे वैसे मेरे को बेटी ही बोलते थे। कभी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि हाँ तुम बहू हो या कुछ, आप लोग समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहती हूँ, है ना। तो वो इतना जल्दी नहीं जाते, ऐसा नहीं था कि उनकी एज बहुत हो गई थी, लेकिन होता है ना कोई कोई चीज़ को हम इस ये जो चीज़ होता है ना डेट, वो हम किसी को नहीं रोक सकते। तो वो भी बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा एजेड नहीं थे, लेकिन कम उम्र में उनकी भी डेट हो गई एक बीमारी के कारण, और वो बीमारी था कैंसर। तो मेरे ससुर जी को कैंसर हो गया था और आप लोग जानते हो कितनी खतरनाक बीमारी है, तो उसी वजह से उनकी डेट हो गई। और मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि देखो मैं ना मुझे कुछ अच्छी चीज़ें वीडियो बनानी रहेगी ना, हंसने वाला चीज़ या खुशी का चीज़, तो मैं परफेक्ट उसमें बोल लेती हूँ, बोल लूँगी आराम से। लेकिन ये सब चीज़ें जो होता है ना, क्योंकि मैंने भी अपना पापा खोया था ना, वो दर्द मैं आज तक नहीं भूली हूँ और शायद मैं कभी नहीं भूलूँगी, रियल बता रही हूँ मैं कभी नहीं। तो किसी के भी माँ बाप अगर या किसी के भी करीबी इस दुनिया से जाएगा तो वो दर्द मैं ऑलरेडी सही हूँ, तो वो दर्द मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि उस दर्द में
कोई लिमिट लाइन है, अनलिमिटेड लाइन है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ही आप लोगों को क्लिप दिखा दूँगी, क्लिप दिखा दी, सॉरी मंदिर का नहीं दिखा पाई क्योंकि बारिश बहुत है और बाबू और हस्बैंड जी गए थे। हाँ मैं जाती तो मैं थोड़ा वीडियो बना देती, लेकिन मैं नहीं गई थी इसके वजह से वहाँ का तो वीडियो नहीं है, बस घर में जो हुआ था वो मैं आपको वीडियो दिखा दी। ठीक है, तो चलो बाय बाय।